नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है ओप्पो के वायरलेस ईयरबड्स ओप्पो एनको एयर 2 की यहाँ पर अनबॉक्सिंग रिव्यू में आप लोगों को देने वाला हूँ और प्राइस कितना मिल रहा है इन ईयरबड्स का वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बहुत बढ़िया ईयरबड्स मुझे लग रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और यार साथ में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग वीडियो शुरू करते हैं ओप्पो एनको एयर 2 वायरलेस ईयरबड्स की। तो यहाँ पर दोस्तों बॉक्स की तरफ देखें तो बॉक्स की तरफ यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। बॉक्स के ऊपर ओप्पो एनको एयर 2 यहाँ पर लिखा गया है, ओप्पो की ब्रांडिंग की गई है और यहाँ पर इस तरफ ओप्पो एनको एयर 2 लिखा गया है। पीछे की तरफ यहाँ पर बताया गया है कि आप लोगों को यहाँ पर कितना प्राइस मिलता है और क्या कुछ आप लोग को बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। बॉक्स के ऊपर से जो पैकिंग है दोस्तों वो हमने हटा ली है और अब यहाँ पर बॉक्स को ओपन करते हैं और ईयरबड्स को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बॉक्स है दोस्तों वो अनबॉक्स अब हो चुका है और जैसे हम बॉक्स को यहाँ पर खोलते हैं तो सबसे पहले हमें जो ईयरबड्स है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर पैकिंग के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर वाइट कलर में हमें यहाँ पर जो ईयरबड्स है वो देखने को मिल रहे हैं, इस तरह की यहाँ पर पैकिंग की गई है। तो यहाँ पर इस तरफ हमें जो चार्जिंग पोर्ट है वो देखने को मिल जाता है और 3.4 mm का हमें यहाँ पर ऑडियो ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं। इस तरफ आप लोगों को ओप्पो की ब्रांडिंग और जो सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो अब ईयरबड्स को रखते हैं साइड में और बॉक्स के अंदर देखते हैं और हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है। ईयरबड्स का डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया मुझे लग रहा है, तो अब इन्हें एक बार रख देते हैं साइड में और बॉक्स के अंदर हम देखते हैं और क्या कुछ हमें मिलता है। ये कुछ अलग डिज़ाइन के साथ एक फ्रेम हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद एक बॉक्स हमें अंदर की तरफ देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन है वो देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आप लोगों को जो इसके बारे में वारंटी कार्ड वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यार ये मुझसे गलती से गलत जगह से फट गया है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो एक काफ़ी बड़ी सारी जो रामायण कथा है वो देखने को मिलती है और यहाँ पर दोस्तों हमें और कुछ नहीं देखने को मिलता है। एक बार इस प्रेम पत्तर यानी कि जो रामायण कथा है उसको पढ़ लेते हैं, तो काफ़ी बड़ा है, आप लोग रीड कर सकते हैं। आप लोगों का मन हो, रीड करने के शौकीन है, जानकारी लेने के शौकीन है, तो आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। सब कुछ इसमें बताया गया है कि कैसे इसको रिसाइकिल वगैरह सब कुछ पढ़ लीजिए आप, सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। तो यार मुझे एक चीज़ नहीं देखने को मिल रही है वो है चार्जर की केबल। चार्जिंग केबल कहाँ पर है भाई इसमें? ओहो, चार्जिंग केबल नहीं मिल रही है। टाइप सी के शॉर्ट के साथ आता है, लेकिन हमें यहाँ पर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि क्या ओप्पो को इन ईयरबड्स के साथ जो चार्जिंग केबल है वो देना चाहिए था या नहीं, क्योंकि अगर दोस्तों यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइप बी का स्मार्टफोन है लेकिन वो इसको ख़रीदते हैं तो उन्हें अलग से यहाँ पर एक चार्जिंग केबल ख़रीदनी होगी, जो कि यहाँ पर बहुत सारे पैसों की आती है। तो मुझे लगता है कि ओप्पो को ज़रूर से इन ईयरबड्स के साथ जो चार्जिंग केबल है वो देना चाहिए था। तो यहाँ पर एक बार बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे लग रही है और यहाँ पर हमें दो ऑडियो ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं 13.4 mm के साथ और काफ़ी बढ़िया इनकी मुझे डिज़ाइन लग रही है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सेंसर भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप लोग यहाँ पर कॉल वगैरह को कट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया इनमें आप लोगों को फीचर देखने को मिल जाते हैं। अगर एक बार आप लोग चार्ज कर लेते हैं तो 24 घंटे तक आप लोग इनमें गाने सुन सकते हैं और आप लोगों को ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों मैंने आधे घंटे तक यहाँ पर इन ईयरबड्स का यूज किया है, यूट्यूब पर वीडियो देखी है मैंने, कई सारे गाने सुने हैं और मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर महसूस हो रहा है इन ईयरबड्स से गाने सुनने के बाद। यहाँ पर आप लोग इन अपने कानों में लगाते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से फिट बैठ जाते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बताऊं, अगर आप लोग रनिंग करते वगैरह इन ईयरबड्स का यूज करते हैं, रनिंग करते हैं आप लोग इनको यूज करके, तो यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, बार बार में आपके कानों से ये गिर सकते हैं। तो इनकी जो यहाँ पर फिनिशिंग है काफ़ी अच्छी नहीं की गई है, थोड़ा सा और यहाँ पर थोड़ा सा अंदर कानों के अंदर और जाता तो काफ़ी अच्छा होता और आप लोग रनिंग वगैरह करते तो आप लोगों को यहाँ पर परेशानी नहीं होती। लेकिन वॉल्यूम के मामले में दोस्तों काफ़ी बढ़िया ईयरबड्स मुझे लग रहे हैं और इनमें जो वॉल्यूम है ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, एकदम बैलेंस वॉल्यूम है जितना आपको चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल जाता है जिससे आपके कानों में दर्द हो जाता है, तो इनमें आप लोगों को काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रही है, बेस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो यार प्राइसिंग के बारे में बात करें तो Oppo Enco Air 2 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के मैं प्राइस के बारे में आप लोगों से बताऊं तो इनका प्राइस आप लोगों को दोस्तों फ्लिपकार्ट पर इस समय 1899 रुपये मिल रहा है, जो कि बहुत कम प्राइस है इन ईयरबड्स का। इनका जो एक्चुअल प्राइस है वो 3000 रुपये के आसपास है, लेकिन आप लोगों को इस समय फ्लिपकार्ट पर ये सिर्फ 1899 रुपये में मिल रहे हैं। तो आप लोग जरूर से इन ईयरबड्स को ट्राई कर सकते हैं, 2000 रुपए के अंदर बहुत कमाल के ईयरबड्स हैं।